वैष्णव आचार्यों के जो भजन होते हैं सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको गाना चाहिए। और चूंकि हमारे आचार्यगण बांग्ला में भजन गाए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है भक्तों के लिए। तो कुछ भक्तों ने कहा मुझे कि हमें भजन सीखना है और अर्थ के साथ सीखना है, तो मैं वो भी शुरू कर रही हूँ आज से। तो हम अभी थोड़ा सा सिखाएंगे आपको और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज पहला भजन जो हमने लिया है वो है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा गाया गया, लिखा गया गीत लालसामयी प्रार्थना, और जिसके बोल हैं गौरांग बोलिते हवे। ठीक है, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत महान भक्त थे और जब ये आए थे, इनके बारे में बताऊंगी तो बहुत समय जाएगा, लेकिन शॉर्ट, जब ये आए थे यानी कि जब ये भक्ति में आए, प्रवेश किए और सबसे मिले, तब तक बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य जा चुके थे, तो इसलिए ये बहुत दुखी थे। तो इसलिए इन्होंने, इनके गीत में बहुत दर्द दर्द महसूस होगा और अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं। जितने भी अच्छे भक्त होते हैं वो अपने आप को बहुत तुच्छ भक्त समझते हैं। तो ये जो प्रार्थना है इसमें नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, यानी कि अपने बारे में बोल रहे हैं कि कब मेरे में वो भाव आएगा। कौन सा भाव? लालसा का मतलब होता है कोई चीज को प्राप्त करने की इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा, उसको कहते हैं लालसा। तो जो भक्त होते हैं उनको तो भक्ति, वैष्णव, भगवान, इन चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर को भी लालसा है, धन दौलत की नहीं, क्या क्या चीज़ों की लालसा है ये यहाँ पे भजन में हमको दिखाई देगा। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, 2-4 लाइन बस उतना ही करेंगे, फिर आगे। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते न याने बाहेनी रा। इसका अर्थ है कि वो दिन कब आएगा जब गौरांग ऐसा उच्चारण करते ही हमारे जो शरीर है उसमें पुलक पैदा होगा, पुलकित हो जाएगा शरीर। शरीर जब बहुत खुशी होती है तो भी पुलकित होता है। यहाँ पर भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाए, हम गौरांग महाप्रभु का बहुत प्यार से उच्चारण करें। और यहाँ जो है अष्ट विकार वाला भाव है। अष्ट विकार जब होता है किसी के अंदर पैदा ना, तो उसके अंदर बहुत प्रकार की चीज़ें होती है, जैसे आँखों में आंसू और पसीना छूटता है, कई बार व्यक्ति बहुत रोता है, कई बार व्यक्ति बहुत हंसता है, पूरे शरीर में रोमांच पैदा होता है, पुलक पैदा होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे भाव होते हैं। तो यहाँ उसी की बात की जा रही है कि ऐसा कब होगा जो हम उस भाव में रहेंगे कि गौरांग शब्द बोलते ही पूरे शरीर में रोमांच पैदा हो जाएगा और आंखों से आंसू बहेंगे। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते ना याने बाबे नीरा। सिंपल स्लो गीत। इसके बाद अगला जो लाइन है वो डिफरेंट, उसमें राग थोड़ा सा अलग। आर को बेनी ताई चांदेर करुणा होई बे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होबे। आगे कह रहे हैं और ऐसा समय कब आएगा कि निताई चांद यानी नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी हमारे ऊपर। जब करुणा होगी तो क्या होगा?
संसार वासना, जो संसार के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, जिसको वासना कहा जाता है, संसार और सांसारिक चीज़ों के प्रति जो प्रेम होता है, हमें लगता है कि प्रेम है, पर वासना में, और उसका असली नाम वासना है, वो प्रेम नहीं है, उसको वासना कहा जाता है। तो वो वासना भरपूर मात्रा में नरोत्तम दास ठाकुर के पास नहीं था, पर हमारे पास है। नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान भक्त हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास है, पर वास्तव में उनके पास नहीं है। पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे, तुच्छ यानी छोटा। तो जो संसार वासना है, संसार के प्रति जो लगाव है, कामेच्छा है, संसार के भौतिक चीजों को प्राप्त करने की इच्छा है, वो कम कब होगी? यानी कि जब नीताई चांद हमारे ऊपर करुणा करेंगे तो वो वासना कम होगी। इसलिए ये है पुकार, पुकार रहे हैं। जैसे कोई चीज हमारे पास नहीं है, बच्चा बोलता है मम्मी दे दो, मम्मी दे दो, हमको भूख लगी है, वैसे ही एकदम दिल से पुकार रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, कब नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे हमारे ऊपर, कब इस भौतिक दुनिया का जो सुख भोग है, उसको भोगने की जो इच्छा है मेरी, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है अभी, वो कब कम हो जाएगी? तो आज बस इतना ही करेंगे, क्योंकि बड़ा करेंगे ना तो सीख नहीं पाएंगे सारे भक्त, तो आज बस इतना ही करेंगे, ठीक है? चार लाइन तो एक साथ अगर गाएंगे तो कैसे गाएंगे? मैं एकदम सिंपल गा रही हूँ, विदाउट विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी करताल, कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ ट्यून। गौरांग बोली ते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोली तेना याने बाबे नीरा, आर कबे नीताई चांदेर करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हो।